हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द सौंदर्य नर्सिंग चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अल्टर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। सो अल्टर्ड इम्यून रिस्पॉन्स में जो ऐसे बहुत सारे जो डिसीज़ कंडीशन आते हैं, तो सभी डिसीज़ कंडीशन पढ़ने से पहले जो हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। अगर ये सभी डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ जाता है तो अल्टर्ड इम्यून रिस्पॉन्स में जितने भी डिसीज़ कंडीशन आते हैं, जो भी कॉम्प्लिकेशंस है, तो सभी जो है आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सो फर्स्ट कौन सा डेफिनेशन है, फर्स्ट देखेंगे हम एलर्जन। एलर्जी मतलब क्या, इट इज़ अ सब्सटेंसेस दैट कॉज मैनिफेस्टेशन ऑफ एलर्जी, उसे क्या बोलते हैं हम एलर्जन। सब्सटेंसेस दैट कॉज मैनिफेस्टेशन ऑफ एलर्जी मतलब सब्सटेंस मतलब क्या, पहले हम ये जान लेते हैं सब्सटेंस क्या मतलब। टेक एन एग्जाम्पल, डस्ट या फिर बी स्टिंग्स या फिर एनी थिंग दैट मेडिकेशंस, राइट। सो उसे क्या बोलते हैं हम सब्सटेंसेस। उस सब्सटेंस के वजह से क्या होता है, मैनिफेस्टेशन ऑफ एलर्जी। कुछ लोगों को जो है डस्ट से एलर्जी रहती है, राइट। डस्ट से एलर्जी रहती है तो तब क्या होता है कि कुछ लोग जो है स्नीजिंग करते हैं, सो उसके वजह से जो हम एलर्जी के रिएक्शन देखते हैं कि यस इनको जो है एलर्जी हुआ है। किसके थ्रू, थ्रू द मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन मतलब साइंस एंड सिम्टम। स्नीजिंग के थ्रू जो है हमने जाना कि उनको एलर्जी हुई है, किसके, डस्ट के वजह से। और ले लो क्या, मेडिकेशंस के वजह से भी कुछ उनको एलर्जी है, कुछ मेडिकेशन लिया है तो समटाइम जो है रैशेस, स्किन के ऊपर रैशेस जो है एलर्जी हम देखते हैं, उसे क्या बोलते हैं एलर्जन। एलर्जन क्या, सिंपल है, मैनिफेस्टेशन ऑफ एलर्जी। स्किन रैशेस हो गया, स्नीजिंग हो गया या फिर फीवर, ये सभी जो है एक साइंस एंड सिम्टम दिखता है एक पर्टिकुलर एक सब्सटेंस के वजह से। सो उसे क्या बोलते हैं एलर्जन। देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एलर्जी। एलर्जी मतलब क्या, एलर्जी इज ऑकर व्हेन द बॉडीज इम्यून सिस्टम सीज अ सब्सटेंसेस एज अ हार्मफुल एंड और एक्ट्स टू इट। एलर्जी मतलब एक इम्यून, एलर्जी जो है हमारे बॉडी में एक इम्यून रिस्पॉन्स, एक इम्यून सिस्टम है। जब एक सब्सटेंस, टेक एन एग्जांपल, हमने बी स्टिंग्स बोला, मैंने बी स्टिंग बोला और डस्ट भी बोला। फिर जब एक डस्ट हमारे बॉडी में एंटर होती है, मतलब जो डस्ट हमारे नोज़ के थ्रू जो हमारे बॉडी में एंटर होती है, तब जो हमारी इम्यून सिस्टम जो है उसके अगेंस्ट ओवर रिएक्ट करती है, राइट। सब्सटेंस जो है हार्मफुल है करके हमारी इम्यून सिस्टम जो है उसके अगेंस्ट ओवर रिएक्ट करती है, तब जो है हमें एलर्जीज़ के साइंस एंड सिम्टम दिखते हैं, राइट। मैंने स्नीजिंग बोला और बी स्टिंग ने अगर हमें, बी स्टिंग अगर ये हुआ तो स्वेलिंग आता है, रेडनेस अपीयर होता है, सो उसे क्या बोलते हैं साइंस एंड सिम्टम्स। किसके वजह से, इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट की वजह से। हमारी इम्यून सिस्टम जो है एक पर्टिकुलर सब्सटेंस हमारे बॉडी में एंटर हुई, जब हमारे इम्यून सिस्टम जो है उसके अगेंस्ट ओवर रिएक्ट किया, तब जो है हमें एलर्जी के साइंस एंड सिम्टम दिखे, उसे क्या बोलते हैं एलर्जी। सिंपल है, एलर्जन मतलब ओनली वो सब्सटेंस को कॉज करती है, उस कॉज की वजह से मैनिफेस्टेशन आना, मतलब साइंस एंड सिम्टम आने को एलर्जन बोलते हैं। एलर्जी मतलब उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के अगेंस्ट हमारे जो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करती है, उसे क्या बोलते हैं हम एलर्जी। नेक्स्ट है एनाफिलैक्सिस। एनाफिलैक्सिस मतलब क्या, इमीडिएट इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन बिटवीन अ स्पेसिफिक एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एनाफिलैक्सिस एक डिसीज़ कंडीशन है, जो कि हम आगे के वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। एनाफिलैक्सिस मतलब क्या, कैसे कॉज होता है, सभी डिटेल में थोड़ा लॉन्ग है वो डिसीज़ कंडीशन, सो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट एनाफिलैक्सिस मतलब क्या, जान लेते हैं। सो एनाफिलैक्सिस मतलब क्या है कि इमीडिएट इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन बिटवीन अ स्पेसिफिक एंटीजन एंड एंटीबॉडी। इमीडिएट इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन करती है कौन सी, एक स्पेसिफिक एंटीजन एंड एंटीबॉडी। सो एंटीजन और एंटीबॉडी मतलब क्या, वो हम पहले जान लेते हैं, तो बाद में आपको एनाफिलैक्सिस क्या है, इमीडिएट कैसे रिएक्शन करती है, क्या इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन है, वो आपको जो है इजीली समझ में आ जाएगा। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंटीजन, राइट। फर्स्ट क्या है एंटीजन मतलब क्या, सो एंटीजन इट इज़ अ एनी फॉरेन मटेरियल दैट इंड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। एंटीजन क्या है, फॉरेन मटेरियल मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एंटीजन को क्या बोलते हैं, फॉरेन मटेरियल से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट इंड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। जब हमारे बॉडी में
फॉरेन मटेरियल्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब एंटर होती है तब जो है एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन होता है। तो पहले देख लेंगे कि एंटीबॉडी मतलब क्या, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंटीबॉडी, सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंटीबॉडी मीन्स इट इज़ अ प्रोटीन सब्सटेंसेस डेवलप्ड बाय द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू इंटरैक्टिंग विथ अ स्पेसिफिक एंटीजन। एंटीबॉडी क्या है, हमारे बॉडी में ही प्रेजेंट रहता है, एंटीबॉडी जो है हमारे बॉडी में ही प्रेजेंट रहता है, वो जो एक प्रोटीन सब्सटेंस में रहते हैं। एंटीबॉडी जो एक प्रोटीन सब्सटेंसेस है जो कि हमारे बॉडी में ही डेवलप होता है। कब इंटरैक्ट करता है, कब हमारी एंटीबॉडीज रिस्पॉन्स करती है, मीन्स विथ अ स्पेसिफिक एंटीजन। स्पेसिफिक एंटीजन मतलब फॉरेन मटेरियल्स, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर होती है तब जो है एंटीबॉडीज रिलीज होती है और उस पर्टिकुलर और स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट जो है फाइट, एक पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट फाइट करती है, उसे क्या बोलते हैं हम एंटीबॉडी, राइट। एंटीजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंटीजन मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में जब एंटर होती है, जब हमारे एंटीबॉडीज मतलब हमारी पुलिस ले लो आप, ठीक है, एन एग्जाम्पल, हमारे बॉडी में जो पुलिस है मतलब एंटीबॉडीज जो है उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जो है अगेंस्ट जाकर फाइट करते हैं, अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट फाइट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम एंटीबॉडीज। नेक्स्ट है अटोपिक डर्माटाइटिस। अटोपिक मीन्स व्हाट, अटोपिक मतलब एलर्जीज होना, उसे हम कॉमनली अटोपिक बोलते हैं। डर्माटाइटिस डर्मा जो है रिलेटेड टू स्किन, डर्माटाइटिस मतलब एनी इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन, उसे क्या बोलते हैं डर्माटाइटिस। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ अटोपिक डर्माटाइटिस मीन्स दिस इज अ टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ऑफ स्किन कैरेक्टराइज बाय इचिंग रेडनेस एंड वैरायटी ऑफ स्किन लेजन्स, इज कॉल्ड एज अ अटोपिक डर्माटाइटिस। अटोपिक डर्माटाइटिस क्या है, टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है जो कि स्किन मतलब कॉमनली स्किन पे जो है हमें कैरेक्टर्स देखते दिखाई देते हैं हाइपर सेंसिटिव की वजह से, दैट इज़ इचिंग होना या फिर रेडनेस होता है, वेराइटी ऑफ स्किन लेजन्स, लेजन्स मतलब स्किन डैमेजेस होना, स्किन डैमेजेस होने को क्या बोलते हैं हम लेजन्स बोलते हैं। सो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन मतलब क्या वो जान लेते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन मतलब ओवर रिएक्शन करना, ओके हम नेक्स्ट देखेंगे उसे। ओके, हाइपर सेंसिटिव मतलब इट इज़ अ ओवर एक्टिवेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट फॉरेन एंटीजन। हाइपर सेंसिटिव मतलब क्या है, ओवर एक्टिवेशन अगेंस्ट द फॉरेन एंटीजन। हमारे बॉडी में जो है, मैंने अभी बताया कि एंटीजन मतलब फॉरेन मटेरियल्स मतलब फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जब हमारे बॉडी में एंटीजन जब इंड्यूस होता है मीन्स जब हमारे बॉडी में आता है तब जो है हमारे एंटीबॉडीज जो है उनके अगेंस्ट एक्टिव होते हैं। बट हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होता है कि कुछ ओवर रिएक्टिव होता है, जितने एंटीजन से उतना ही रिएक्ट करके अगर हो गया तो हमें जो है ऐसे कुछ रेडनेस या फिर स्किन लेजन्स नहीं होते, जितना रिएक्ट करना रहता है उतना ही किया तो कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। बट हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होता है कि हाइपर मतलब बेसिक है, हाइपर मतलब क्या है इंक्रीज होना, सेंसिटिव मतलब ओवर रिएक्शन होना, राइट। एक्टिवेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट फॉरेन एंटीजन मतलब क्या है कि हमारे एंटीबॉडीज जो है कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर देती है, एंटीजन जो है बहुत ज़्यादा है करके कुछ ज़्यादा ही हमारे एंटीबॉडीज रिएक्ट करती है, एंटीजेंस को भी किल करती है एज वेल एज हमारे खुद के ओन सेल्स को भी जो डैमेज कर देती है, उसे क्या बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी मतलब ओवर एक्टिवेशन, खुद के घर में ही जो है नुकसान करने का मतलब खुद के सेल को भी जो है डैमेज कर देती है हाइपर सेंसिटिव में, उसे क्या बोलते हैं हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। नेक्स्ट है एरिथेमा। एरिथेमा इट इज़ अ डिफ्यूज रेडनेस ऑफ स्किन कॉल्ड एज अ एरिथेमा। एरिथेमा मतलब रेडनेस, एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं ना उसे। इट इज़ अ डिफ्यूज ऑफ रेडनेस ऑफ स्किन में जो रेडनेस दिखाई देते हैं उसे हम मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं एरिथेमा। सो नेक्स्ट टर्म इज हिस्टामाइन। इट इज़ अ सब्सटेंस इन द बॉडी दैट कॉजेज इंक्रीज्ड गैस्ट्रिक सेक्रीशन, डायलेशन ऑफ कैपिलरीज एंड कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्रोंकियल स्मूथ मसल।
इज कॉल्ड एज अ हिस्टामाइन। हिस्टामाइन की एक सब्सटेंस है हमारे बॉडी में जो क्या कॉज करती है, इंक्रीज गैस्ट्रिक सेक्रीशन, हमारे गैस्ट्रिक सेक्रीशन को इंक्रीज करती है, और जो भी हमारे कैपिलरीज है वो सभी कैपिलरीज को भी डायलेशन ऑफ कैपिलरीज को भी इंक्रीज करती है, एंड कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंकियल स्मूथ मसल, जो हमारे नॉर्मल ब्रोंकियल स्मूथ मसल रहते हैं उनको कंस्ट्रिक्शन करती है, कंस्ट्रिक्शन मतलब नैरोविंग करती है, इज कॉल्ड एज अ हिस्टामाइन। देन नेक्स्ट टर्म इज इम्यूनोग्लोबिन्स, दिज आर अ प्रोटीन कैपेबल ऑफ एक्टिंग एज अ एंटीबॉडीज कॉल्ड एज अ इम्यूनोग्लोबिन्स। इम्यूनोग्लोबिन जो है प्रोटीन्स कैपेबल है, जो कि हमारे बॉडी में ही रहती है। इम्यूनोग्लोबिन कैसे एक्ट करते हैं, एक्ट एज अ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज कैसे हमारे जब एंटीजेंस आती है हमारे बॉडी में कैसे रिएक्ट करती है अगेंस्ट द एंटीजन, इन द सेम मैनर इम्यूनोग्लोबिन्स भी जो है एंटीबॉडीज की तरह ही एक्ट करती है। सो नेक्स्ट है, नेक्स्ट टर्म इज लिम्फोसाइट्स, दीज आर अ सेल्स विच आर इम्पॉर्टेंट इन प्रोड्यूसिंग सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज इज कॉल्ड एज अ लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या एक सेल्स है, हम इम्यून सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ा होगा लिम्फोसाइट्स मतलब क्या है, उसका फंक्शंस क्या है सभी। सो लिम्फोसाइट्स क्या है, एक सेल्स है जो कि किस में इम्पॉर्टेंट है, प्रोड्यूसिंग अ सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज राइट। नॉर्मली एंटीबॉडीज क्या करती है, जितने भी हमारे बॉडी में एंटीजेंस जब प्रोड्यूस होता है तब उनके अगेंस्ट जो है फाइट करती है, दैट इज़ अ नॉर्मल एंटीबॉडीज। बट सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज मतलब क्या है, एक स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट ही रिएक्ट करना, उसे क्या बोलते हैं हम सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज। टेक एन एग्जांपल टी लिम्फोसाइट एक सेल्स है हमारे बॉडी में। सो वो लिम्फोसाइट बी जो क्या करते हैं, पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट जो है रिएक्ट करती है, उसे क्या बोलते हैं हम एंड सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज। देन नेक्स्ट टर्म इज मास्ट सेल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मास्ट सेल, मीन्स दीज आर अ कनेक्टिव टिश्यू सेल्स दैट कंटेन हेपरिन एंड हिस्टामाइन इन देयर ग्रैन्यूल्स। मास्ट सेल जो है बेसिकली हम वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम में हेल्प करती है। मास्ट सेल क्या है, मास्ट सेल एक हमारे WBC सेल्स है जो कि कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स में प्रेजेंट रहती है। मास्ट सेल जो है कनेक्टिव टिश्यू सेल्स में प्रेजेंट रहती है। क्या कंटेन करती है मास्ट सेल, हेपरिन मतलब एंटीकॉगुलेंट बोलते हैं हम कॉमनली। सो क्या कंटेन करते हैं, हेपरिन एंड हिस्टामाइन इन देयर ग्रैन्यूल्स। हेपरिन और हिस्टामाइन्स कैसे ग्रैन्यूल्स को प्रोड्यूस करती है, सभी जो डिटेल में हम डिसीज कंडीशन में पढ़ेंगे। अभी आप मास्ट सेल मतलब क्या इधर प्रेजेंट रहती है और क्या एक्शन है, इतना ही आप जान लो राइट। आगे जो डिसीज कंडीशन में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मास्ट सेल कैसे ट्रिगर करती है और कैसे हमें एलर्जीज सभी होता है, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट है रिनाइटिस, इट इज़ अ इन्फ्लामेशन ऑफ दी नज़ल म्यूकोसा कॉल्ड एज अ रिनाइटिस। रिनाइटिस मतलब नज़ल म्यूकोसा पे ऊपर जो है इन्फ्लामेशन होना, उसे क्या बोलते हैं रिनाइटिस। एंड लास्ट इज यूटिकेरिया मतलब हाइज मतलब स्किन रैशेस होने को क्या बोलते हैं हम हाइज और यूटिकेरिया। If you have any doubt means please text in the comment box. Thank you for watching.